मुझे डर क्यों लग रहा है? अरे भाई क्यों डर रही हो? बहुत बहुत मुबारक हो। काश मैं भी इतना बाखलाक होता कि तुम्हें उस दिन मुबारकबाद देता। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही? बस स्टोर तक जा रही हूँ। मैं छोड़ दूँ? नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊँ। हाँ, अब तो गाड़ी में बैठने की आदत हो गई। घर से पाँव निकाला और गाड़ी में बैठे जहाँ जाना है वहाँ चले जाए। मोटरसाइकिल पर बैठने की आदत कहाँ रही है? बहुत बहुत मुबारक। काश मैं भी इतना बाखलाक होता कि उस दिन तुम्हें मुबारकबाद दे। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही? बस स्टोर तक जा रही। मैं छोड़ दूँ? अब ये मत कहना कि छोड़ तो चुके। नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊँ। हाँ, कहाँ मोटरसाइकिल पे बैठने की आदत रह गई होगी। गाड़ी की आदत हो गई है। घर से निकलते ही गाड़ी में पाँव रखा, जहाँ जाना है वहाँ चले गए। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही? स्टोर तक जा रही। मैं छोड़ देता। ये मत कहना कि छोड़ तो चुके होते। नहीं, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हाँ, गाड़ियों में बैठने की आदत जो होती है। ये दोबारा हाँ गाड़ियों में बैठने की आदत जो होगी है तो घर से निकलते ही पाँव गाड़ी में रखा और जहाँ जाना है वहाँ चले गए। मोटरसाइकिल पे अब कहाँ बैठोगे तुम? घर से निकलते ही गाड़ी में पाँव रखा और जहाँ जाना है वहाँ चले गए। मोटरसाइकिल पे अब कहाँ बैठोगे? पता नहीं अम्मा मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। मेरी आंखों के सामने वो किसी और की होगी और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मोमिन बेटा, अगर तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश में डालता ही क्यों? भूल जाओ आशिक, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों है? अब्बा भी सच जाने बगैर चले गए और आशी ने भी जानने से पहले ही किसी और से शादी कर ली। आप जानती हैं उसकी शादी किससे हुई? अनु ने उसका हाथ फिर से फखर के हाथ में दे दिया। काश वो मेरी बात पे यकीन कर लेते तो शायद आशी निकाह से इनकार कर देती। आशी बाजी ने अच्छा नहीं किया। वो बेचारी क्या करती, उसकी मर्जी चलने ही कब दी होगी जमील ने? नहीं, वो चाहती तो इनकार कर सकती थी शादी से। मैं जाऊं? हाँ। हाँ। से लास्ट कर। नहीं अम्मी, वो चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी। अब तुम लोग मोमिन के सामने ये सारी बातें मत करो, बस दुआ करो कि अल्लाह
अल्लाह हमारे मोमिन के लिए आसानियां पैदा करते। क्या क्या दुख सहने पड़ रहे हैं इनको। बस खुदा ने यही लिखा था आशी और बस खुदा ने यही लिखा था आशी और मोमिन के नसीब। लेकिन मेरी बेटी के बहते आंसू वो हमें जीने नहीं दिया है। सब ले लो। सर देखे जाए शब्बीर भाई गए एक्सीडेंट होंगे सर सीधा घूम बेटा फराज ओके जमील जानता हूँ तुम्हारी दिक्कत क्या हो सकती है आशीष को तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी भी उसका दुख मेरा आशी का दुख हमारा दुख है। आप क्या जानते बेटी की शादी से एक दिन पहले जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। जानता हूँ क्या गुजरती है पर एक ही बारात लाने से इनकार कर दिया वलीद की अम्मी ने। माफी बहुत छोटा लफ्ज है हो सके तो ये माफ कर देना कि हम आशी को वो खुशियाँ नहीं दे सके जो उसका हक थी। मैंने आपसे कहा था कि मोमिन के बारे में अपनी आंखें खोल दें मुझे मेरी बेटी की खुशियों की गारंटी दे दें। लेकिन आप क्या गारंटी देते आपने तो जज्बाती मार दे डाली मुझे कि बेटी के सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूँ। काहे की जिंदगी माशाल्लाह देखिए आप भी जी रहे हैं और आपका बेटा भी जी रहा है। लेकिन मेरी बेटी सी आंखों से बहते हुए आंसू ना वो हमें जीने नहीं दे रहे। आजा फ्रंटल आ बेटा